बिहार के राजधानी पटना पहुंचल महुआ प्लस के भौजी नंबर वन सीजन सात कटी शुरू हो गई भौजियन के मस्ती अपना राहुल देवर के संगे भैया लोग नमस्ते प्रणाम। हम राजकुमार आर पांडे और हम इस वक्त हैं पटना के अंदर। बात अब पटना की आई है तो मुझे याद आ रहा है भौजी नंबर वन सीजन पांच की विजेता थी पिंकी फ्रॉम पटना। भौजी नंबर वन सीजन फाइव का विनर पिंकी सिंह भी एहिजा जजमेंट करे खातिर पहुंचल बाड़ी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और मैं चाहती हूं कि इस बार भी पटना से ही भौजी नंबर वन का खिताब जीते आप लोग। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और ऑडिशन का शुरुआत कुछ इस अंदाज में भी पिंकी भौजी के स्वागत में आई बैठी। सुबेरे सैया वर्दी चढ़ा के मत जा तू बाहर बलम जी ओढ़निया बलम जी। क्या नाम बा? सोनिशा। सोनिशा जी कहाँ से बनी? तिनसुकिया आसाम से। पटना का ऑडिशन में भौजियन का जोश देखे के मिला। यहाँ कुल भौजी बनल चाहत बाड़ी भौजी नंबर वन सीजन सात। मैं हूँ नूतन शर्मा, मैं ही भौजी नंबर वन सीजन सात की विजेता, आ रही हूँ बहुत जल्द महुआ प्लस पे। हर भौजी के सपना बा कि उ भौजी नंबर वन सीजन सात में जरूर सेलेक्ट हो, एकरा खातिर उ भरपूर तैयारी कर रहल बाड़ी। पटना बोरिंग रोड से आई हूँ इंद्रपुरी से और मैं ही बनूंगी भौजी नंबर सीजन सात। पर वो तैयारी का क्या हाल बनी? सर तैयारी नहीं है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस है सर। एक गाना सुना दी भौजी बढ़िया वाला तनकदार। ए राजा तोहरा पियला खाती कुछ कर जाइब महुर खा के मर जाइब हो। इसलिए मरने की बातें नहीं, हम लोग करेंगे डांस की बात। हो जाए घर लगाओ इतना बढ़िया इतना नीमन डांस कहाँ से सीख लो हो? कहीं से नहीं सीखा, खुद से रिहर्सल किया, खुद से किया। खुद से रिहर्सल करी है तो ये गाना मालूम रहे? नहीं सर नहीं पता था, लेकिन उसका जो बोल होता है वो पकड़ लेते हैं। अच्छा, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये कॉन्फिडेंस बना के रखिए। एक बार बोल दीजिए कि हम ही बनने वाले हैं। चांद ने अमृत का जाम भेजा है, चांद ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन को सलाम भेजा है, मैं ही बनूंगी भौजी नंबर वन सीजन सात की। सच्चे दिल से महुआ प्लस ने हमें ये पैगाम भेजा है। अरे ठाकुर क्या सोचो तरह कि तहार मेहरारू भौजी नंबर वन बनी, ये सोचे वाला बात नहीं थे। अरे
भरम मन से निकाल दो। हमार मेहरारू आल बिया मेहरारू, हमार मेहरारू भोजी नंबर वन बनी आ सब कोई के भोजी नंबर वन पारा पारी बने के पड़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मार दियो आपको, थैंक यू। भोजी नंबर वन सीजन आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। मैं हूँ पूजा राय, मैं अनिशाबाद से आई हूँ, मैं ही बनूंगी इस सीजन 7 की भौजी नंबर 1। मैं रीना सक्सेना पटना से, मैं ही बनूंगी भौजी नंबर 1 सीजन 7 की विजय। मैं हूँ सृष्टि पटना से, भौजी नंबर 1 सीजन 7 की विनर मैं ही बनूंगी। कैसन बने? एकदम बिल्कुल ठीक, आपसे मिलकर और भी अच्छी होगी। हम भी लोगों से मिलकर बहुत खुश हो गए। क्या क्या तैयारी बांटे ऑडिशन खाते? सब कुछ गाना डांस मैं पूरी प्रिपरेशन करके आई हूँ। मन करेला तोहरा के हम भोली हूँ एक बार में, का बतला ही कितना डूबल बानी तोहरा प्यार में, गजरा भी नैना के कुरवा बन मरेला। सानिया मिर्जा कटना धुनिया जान मरेला, सानिया मिर्जा कटना धुनिया जान मरेला। तो थैंक यू आपका, और अगली बार आप अभी बीच में जितना मौका आपको मिलेगा जब तक आपके लिए कॉल वॉल आए। कहाँ से आई हैं आप? पटना सिटी से। पटना सिटी जी। तैयारी एकदम कहाँ के बढ़िया? सर ठीक ठाक। शो देखे नहीं हमेशा? सर एक दो बार देखा, एक्चुअली सर मैं यहाँ से नहीं हूँ इसीलिए। कहाँ से हैं? सर मैं एक्चुअली मुंबई से बिलोंग करती हूँ। अरे वाह आमची मुंबई, कहाँ मतलब कहाँ रहती हैं? दादर ईस्ट में। आप कोई बढ़िया आमची मुंबई वाला गाना बढ़िया कोई सुनाइए। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। अरीना जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुंबई की हैं, आपके हस्बैंड पटना के हैं, आपकी लव मैरिज हुई है? सर थोड़ा मैम थोड़ा सा लव मैरिज भी अरेंज हुई है। थोड़ा सा थोड़ा लव मैरिज लव हो सकता है? अच्छा तो नहीं थोड़ा सा प्यार जी वैसा ही कुछ। हाँ थोड़ा है बाकी। कैसे लगता है कि आप तो सीजन की नंबर वन बन सकती हैं, भौजी नंबर वन? सर बस लगता है कि कुछ है ऐसा, अगर हो सके तो बिल्कुल बन सकती हूँ, इसीलिए आई हूँ, इसी होप से आई हूँ। कॉन्फिडेंट है? जी बिल्कुल। बोलिए मैं ही बनने वाली हूँ भौजी नंबर वन। जी मैं ही बनने वाली हूँ भौजी नंबर 1 सीजन 7 की। थैंक यू। सोचा ए राजा जी सुहाग वाली रतिया, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले लाया लिपस्टिक जिला टॉप लगेलू। नमस्ते भौजी, आपके हंसी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। भौजी कुछ गाइए सुनाइए अच्छा वाला। खुस दी पलाक दे बरा बाटे बोरी ची टर लगावा दी राजा जी, लगवा दे राजा जी हमरा लहंगा में मीटर लगा दे राजा जी। कितना साल ब्याह के हो गए? 2 साल। अरे तो अभी नहीं, देवर है ना जी सर, घबराती हूँ उनसे। हस्बैंड आपके आए हैं यहाँ है? अरे वाह कहाँ है, बुलाई जरा उनको। कितना साल ब्याह के गए हो? 2 साल। भौजी ने बताया कि आप बड़ा तारीफ करते हैं इनके इनके मुस्कुराहट का। जी सर। तो कभी ऐसा लगा खाना नहीं बनाती खाली हंस देती काम चल जाता? नहीं है? खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसके लिए हम बहुत खुश। मतलब दोनों मिलल बा, खाना वाना भी बढ़िया मिलल और मुस्कुरा। कौन ऐसा गीत बा जोन रोबा इनका देख के हमेशा गावे नहीं? हमारे खातिर तोहरा के क्या बात है दुनिया में भेजौले बाड़े, हाय भगवान बड़ी फुरे सती से तुहरा के बनौले बाड़े। आप इस शो में आएंगी कितने लंबा चलेंगी कहाँ तक जाएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसे ही विनर हैं, जिसका पति उसको इतना चाहता हो वो तो वैसे ही विनर होता है। आप दोनों डांस करना चाहेंगे साथ में? हाँ सर कर देंगे। लेकिन मेरा बहुत अच्छा लगा था कि पर बीबी का अगर विनर बन जाए तो बहुत खुशी के बात बैठे।
ईश्वर करे यार तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, मेरी दिल से दुआ है बस मस्त। थैंक यू सर। भौजी लोग तो ऑडिशन में एकदम व्यस्त बानी, लाइन में कतार में खड़ा बानी, लेकिन उनका परिजन लोग यहाँ बनी, ताहे उनका से पूछल जाए कि उनका का एक्सपीरियंस रहल ही ऑडिशन में, का वो काका करत अनि ताहे आई। का नाम बा बेटा? काजल कुमारी शर्मा। काजल कुमारी, के आल बानी यहाँ ऑडिशन दे? भाभी जी। भाभी कितना देर से आल बानू? जी सुबह से। मैं हूँ पटना से पोस्टल पार्क सुमन श्रीवास्तव, मैं ही भौजी नंबर वन बनूंगी। मैं हूँ रानी कुमारी पटना से, मैं ही बनूंगी भौजी नंबर वन। लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, लवा सब बनल रही ऐसे ही हमारे साथ और देखत रही भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी कहाँ के बानी रुआ? हमारे ससुराल पटना में बाटे। नैहर? नैहर हम बनारस का है। कितना साल भी आए के हो गए भौजी? 5 साल हो गए, अब तक बूढ़ हो गए नहीं। अरे के कहा था भौजी ऐसा नहीं होता है ना। आप भौजी कुछ बढ़िया सा गाइए तो, कोनो पारंपरिक गाइए, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। जुग जुग जिया सलाला नवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होइए कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल होइए तोहर चमकेला रूप जैसे जाड़ा के धूप, हर देहिया में तहरा गजब फुर्ती, बड़ जान मारे हो बड़ा जान मारे जालीदार कुरुती, बड़ा जान मारे जालीदार कुरुती। भौजी नंबर वन में आयल बनी पहली बार आयल बनी, तो चाहत रही हो कि अगर देवर नंबर वन के संगे को थोड़ा सा डांस करने का मौका मिले। हमारा संगे हम के डांस आपके ना भी यार, राहुल जी अगर आ जाते तो। राहुल के ने बड़ा आ जा। तो हर चमकेला रूप जैसे जाड़ा के धूप, तो हर चमकेला रूप जैसे जाड़ा के धूप, हर देहिया में तहरा गजब फुर्ती, बड़ा जान मारे हो बड़ा जान मारे जालीदार कुरुती, बड़ा जान मारे जालीदार कुरुती। अब कुछ न पूछल जाए और न कुछ इनका से जानल जाए। बिल्कुल भौजी सीधा सीधा प्रणाम, पढ़ाइन भौजी घरे जाए, अपना कॉल के इंतजार करें। भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन का ऑडिशन में का जवान का बू सब लोग मस्ती कर रहे हैं। सब बनल रही ऐसे ही हमारे साथ हो, देखत रही भौजी नंबर वन सीजन 7। हम चाहिए को डायलॉग बोल दी रहुआ, सिनेमा के कोनो डायलॉग वाला? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सॉरी। अरे नीलम जी। जी आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जिसको आप पूरा करना चाहती हैं? डीआईडी मॉम्स बनना। डीआईडी मॉम्स बनना? जी। ओह क्या बात है, फिर तो आपका डांस मुझे देखना है। ओह ईगरली मैं वेट कर रही हूँ आपके डांस का। उससे पहले मैं आपका गाना सुनना चाहूंगी। तड़ी पेला मोरे चढ़ले जवानी, कबीर लगन लागी, ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। आप कहीं सिंगिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सर, एक्चुअली मेरा शुरू से सपना था कि मैं सिंगर या डांसर बनूं। मेरे हस्बैंड गांव गए हैं कल, मेरी सास का थोड़ा तबीयत खराब है, तो मैं आज अपने एक हॉस्टल के बच्चे के साथ आई हूँ। कोई बात नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंट भौजी हैं और हमको लगता है कि एक धमाकेदार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका ये कॉन्फिडेंट बना रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं हूँ पूजा राय, मैं अनिशाबाद से आई हूँ, मैं ही बनूंगी इस सीजन 7 की भौजी नंबर 1। तैयार जब बनी तो भैया देखनी है कि ना? ना ना। कहाँ गल बनी? ड्यूटी। कहाँ करें ले? एयरपोर्ट पे काम। सुनाई कोनो गीत भौजी लहरादार?
सोचा ये राजा जी सुहाग वाली रतिया कट जाई बिजली बिगर जाए। पूजा के साथ आए हैं, पूजा के दादी हैं, उनको सपोर्ट देने चाहते हैं। ए राजा का करवा तू अंधरिया में ललटेन ललटेन जरा के धरम रानी तोहके अकबरिया ललटेन। परांदी कहाँ से मंगवानी है भौजी? हिमाचल। ओह, और झुमका? झुमका तो पटने के बाद। हाय दादा हरी आटा संगे कोई लुटकील कोई दीहलू पानी भरे कोई लुटक खाने भी चलाई लू आटा लालू ना दाल में मोरा ना मरा है कहते अनवाली बोली। थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ मामा? श्वेता साही। श्वेता जी ये बताएं कि काका तैयारी बाटो ऑडिशन का? सब कुछ तैयारी है, डांस गाना सब कुछ, जो भी जज पूछेंगे सब तैयार करके लाई हूँ मैं। मैं पटना एग्जीबिशन रोड से आई हूँ और मुझे यकीन है कि मैं ही बनूंगी भौजी नंबर वन। मैं हूँ दीपा देवी, मैं बेपास से आई हूँ, मैं ही बनूंगी भौजी नंबर वन। पटना सिटी से आई हूँ, मेरा नाम रीमा ठाकुर है और मैं ही बनूंगी भौजी। और मैं हाजीपुर से आई हूँ और मैं ही बनूंगी इस साल की भौजी नंबर वन। मैं ही बनूंगी भौजी नंबर वन सीजन सात। क्या तैयारी करके आई हूँ? तैयारी तो मैं सर साल भर में बचपन से ही डांसिंग और सिंगिंग का मैं बहुत शौक रही है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खराब की हैं? क्योंकि मैं अब अगले साल से यहाँ नहीं आ पाऊंगी सर। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ सब कहते हैं कि डांस में कुछ नहीं है, गाना में कुछ नहीं है, पढ़ो लिखो। मैं कहती थी कि नहीं, मैं गाऊंगी, डांस करूंगी और मैं सबको दिखलाऊंगी कि डांस और गाने से भी बहुत कुछ हो सकता है, अपना पहचान बनाया जा सकता है। घर में सब लोग डांटते हैं? डांटते तो नहीं है कोई, सपोर्ट करते हैं, घर में भी सब सपोर्ट करते हैं। ये ऑडिशन खाती खरीद बनी? नहीं, मेरे हस्बैंड का गिफ्ट है। तो हर मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिलेला? हाँ मिलेला। कितना साल हो गल भाजी? 5 साल। ठीक बा भौजी, एगो गाना सुनाए। मिलल की ना अंतर देसी लिफाफा ई बताए बाकी ना बैरन में पूछा ताने साफा सिपाही सैया ओई बाकी ना बैरन में पूछा ताने साफा सिपाही सैया ओई बाकी ना। मेरी मम्मा बनेगी भाभी नंबर 1। चूल्हानी में बैठ के चूल्हा का आगो राता हूं चूल्हा बाको राता आहिए दादा। आपकी लव मैरिज है? हाँ। भाग कर नईखी मांगत साया साड़ी नईखी मांगत काना ना रहता आखी के सोझा हमरा। प्रणाम करतनी। ये तो सोच के नहीं आयल की का मतलब यहाँ होई, ये सोच के आयल बनी जॉन होई देखब। भौजी एगो छपरिया बढ़िया सुना दी ना, बड़ा मन करा था सुना के। बहे के पुरवा रामा बह गईले पछुआ सजाना वारे। हम आयल बनी अपन मेहरारू के साथ देवे खातिर आयल बाड़ी भौजी नंबर 1 सीजन 7 के ऑडिशन में। बहुत गर्मी हुआ मगर यह जोश जुनून के साथ लगा था कि आज भौजी नंबर 1 के ऑडिशन कंप्लीट हो ही चाहिए। क्या करने आई है पटना से? भौजी नंबर 1 बनना है। चूड़ी के बहाने तू धई लगलाई काहे सोच रहल भौजी का भेल? छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के आए हैं, किसी को बता के नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा भैया को बताई नहीं बताई।
किसी को भी नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है हाँ? फिर तो उनको पता चलेगा। तो यार ये तो मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम पहले से दो मना नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या आप उनको क्या पकड़ के ऐसे बोलेंगे नहीं हम जाइए रहे? नहीं, जबरदस्ती उनको बोलेंगे कि हम मेरा शौक है, हमारा शौक पूरा करना आपका धर्म है। कह दिया नहीं जाना तो क्या कर लेंगे आप? मना के जाएंगे। हम आप दोनों का नाम जानना चाहते हैं। नाम? या आपका नाम? हम हैं पिंकी और ये हैं राजकुमार। जितना गर्दा फाड़ ड्रेस पहले बनी रहुआ उतना ही गर्दा फाड़े को अरहिया गाना सुना दी कोनो। केरे जई है हाजीपुरा, केरे जई है पटना, राम से केरे जई है ना, राम से केरे जई है ना, कलकत्ता वाला। एक बात हम जरूर कहलचा भी आरा के जो माटी है ना वो में पता नहीं कौन ऐसा मिठास बाकी जे के हो भी गावला मीठे गावला। बात है भौजी और आपने वाला बहुत ही बढ़िया। हाँ। कहाँ से आई है चुन्नी जी? आरा से आई बनी। तो एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए आप फटाफट। सैया छुट्टी लेके आवा तारे घर आवा, आज टेलीफोन आइल बा। भौजी इतना टेंशन में काहे गा रहल बनी, तो खुश होके के चाहिए। थोड़ा नर्वस बानी। हाँ? थोड़ा नर्वस बानी। कौन चीज के नर्वस आई है जी? पहली बार आई बनी टीवी पर, वैसे थोड़ा नर्वस लगा। ये तो बात बा, लेकिन बहुत बड़ा जिगर के काम बा कि रहुआ ऐसा आई नहीं है। ढेर का पूछेगा भौजी से वो गाना हो जाओ। कहते हैं ना कि ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को खुश दिखाने के लिए। मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को, समाज में, परिवार में, आस में, पड़ोस में, देश में, दुनिया में। खुश मतलब ऐसी क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि एक माँ जो है, मैं एक माँ हूँ, और आज से 6 साल पहले मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। वो बेटा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बैंगलोर में पढ़ता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं काफ़ी मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरे बेटे को मेरा पैशन, मेरा गाना, मेरा डांस करना बहुत पसंद था। जब मैंने अपने आप को नॉर्मल किया, बेटे का चेहरा दिखाई पड़ा, बेटे की बातें याद करके, बेटे का प्यार याद करके, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब था, मुझे लगा कि ये मेरे बेटे के प्रति सच्चा प्यार होगा मेरा, जो मैं ये समाज को ये बताना चाहती हूँ। आपके हिम्मत को मैं तहे दिल से दाद देता हूँ, जो चीज चली गई वापस तो नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, मैं इनके हौसले को सल्यूट तो करूँगी ही, और अपने बेटे को खो करके और उनकी खुशी के लिए, उनको जो पसंद था उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए अगर आप इतने खुश हैं और अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप एमए की हुई हैं, आपने संगीत में विशारद किया हुआ है, और इतनी सिंप्लिसिटी, आपको सल्यूट है मेरा। थैंक यू, सल्यूट है। थैंक यू, सही में बहुत कहा भौजी, पूरा एकदम चूड़ी 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 है। सर न्यू शादी है ना? अभी भी शादी हुई है? पिछले साल ही हुई है। अरे वाह, तो वो भी आए नहीं आए भाई साहब? नहीं। चलिए कोई गाना गाइए बढ़िया वाला भाजी। जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोर बारन, सावर ना गोर बारन हो। ना ही पातर ना ही मोट, ना ही लम्हर ना ही छोट, ना ही पातर ना ही मोट, ना ही लम्हर ना ही छोट, देखा फुलावा नियान सुकवार बड़ी हो। भौजी थोड़ा सा डांस सीखो, हमको लग रहा है कि थोड़ा सीखना भी चाहिए। और
हम लोग अपनी तरफ से सारी चीज़ें लिख के भेजेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, बताया जाएगा आपको फोन के जरिए। पहला बारी साड़ी के खरीद के दिलवा भाजी देवर इतना खूबसूरत साड़ी। हाँ सच में बहुत अच्छी साड़ी, मुझे डांस कर दो, गाना मत करो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। भौजी कोनो गाना गाइए हंसते हंसते। लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले ला आरा दिस्टी जी ला टॉप लागे लू भौजी ला टॉप लागे लू कमरिया 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 करे ला पालप लोली टॉप लागे लू नमस्ते नमस्ते अगेन नमस्ते मतलब नमस्ते नमस्ते जाओ अपने रास्ते। अच्छा ओ, हस्ते। बहुत बढ़िया, कितना साल ब्याह के होगल बाजी? 8 साल। 8 साल आपकी लव मैरिज है? हाँ, भाग कर। हाँ, कहाँ भागी थी? भागते भागते हमने मंदिर में शादी कर ली। भागते भागते कितना दूर मंदिर था? बहुत दूर। एक्चुअली लेट हो रहा था ना, तो इसलिए भागना पड़ रहा भागना था। पड़ा। जो मंदिर देखा उसी में शादी की। फैमिली का वेट की, लेकिन उन्होंने एकदम पूरे तरह से जकड़ दिया। अब मान रहे हैं फैमिली वाले एक्सेप्ट किए नहीं किए? हाँ, वो कर लिए। नहीं नहीं, आपके माता पिता और उनके माता पिता दोनों एक्सेप्ट कर लिया। कहाँ से आयल बनी? हम पटना बिहार से आए हैं, किसी को मालूम नहीं है। पूजे के नाम पे आई हूँ कि मंदिर जा रही हूँ थोड़ी देर। कोई बात नहीं है। आपने ऐसा कौन सा सपना देखा है अब तक जो पूरा नहीं हुआ और उसको आप पूरा करना चाहती हैं? सबसे पहला नंबर की मैं टीवी पे आना। एक मिनट, आप कौन है? अच्छा, हस्बैंड। अच्छा, तुम बताई नहीं हमको कि हम ऑडिशन में जा रहे हैं। दो दिन से तो आपको बोल रहे थे, तो आप ही तो नहीं है। तुम बहाना बना के क्यों आ गई यहाँ? बोलना चाहिए नहीं बात। एक मिनट भैया, का नाम है आपके? अंजीत ठाकुर। अंजीत ठाकुर, मान लीजिए अब चली आई और आपसे दो दिन नहीं, घर में सास ससुर है, परिवार है, तो सबको बोल के आना चाहिए। वो मेरा का नाम है अंजीत जी। सॉरी, अगर वो आपको बोल रही तो आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको उसका सपना था कि वो यहाँ आए। बोली थी हमसे एक बार ऐसा बात। हर सीजन में बोलते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, जाना। बिल्कुल है। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना, अगर वो अभी आ गई है तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सो हम बोल रहे हैं कि बहाना बना के आना, क्योंकि उसको सच बोलने पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना आप। आप सपोर्ट करिए उनको। एक गाना सुनाई बढ़िया वाला। बोले पायलिया बात बोले ला कंगन वाहो, अहि सोना के रथ पे चढ़ के मोर सजन वाहो। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर घर पे जाओगी पति दो तो यहाँ से समझ गए हम लोग बैठे हैं, मान लो घर में सास बाड़ी में? सास अभी मुंबई में। मुंबई में है, पेड़ पे कोनो डर नहीं थे? थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात, कोनो डायलॉग लगा वाला भोजपुरी में? समझ में नहीं क्या कैसे। किसी को डांटना है तो कैसे डांटेंगे? मान लीजिए अम्मा जी बड़ा किरकिराई हुए हैं, डांटना है कसके डांटिए? मैं रहुआ का तो खाली है, सब बुझाइत रहेला, खाली काम काम करित रहेला। अच्छा झगड़ा करी नहीं कर? ना सर से झगड़ा ना करी, सब झूठ बोल लो आके हैं। ना ना, ऑडिशन खत्म भेला के बाद भौजी नंबर वन का टीम पहुंच गई बा बनारस। एक बार हमके विश्वास है कि सीजन 7 के भौजी नंबर वन हम ही बन के जाई। हमार नाम अभिषेक सिंह बा, हम रउआ लोग से एक ही बात कहब, रउआ लोग रही मस्त आ देखत रही मऊआ प्लस।
राहुल भैया, जय राम जी की। राम राम भैया, का हाल चाल बा? अब पान खिलाई बनारस का। बनारस आए पान में खाए? एक बात भैया कह रहा, बनारस के पान में जब मजा बा काटिया में खे मजा आ गए। हमारा नाम प्रियंका है, हम गाजीपुर के रहने वाली हैं। हम बनारस में ऑडिशन देवे आई हैं सीजन 7 का, एबीरी के भौजी नंबर 1 सीजन 7 हम ही बन के जाई। तो हमारा पूरा सपोर्ट बा, आशा ना पूरा विश्वास बा कि बनारस के ही भौजी बनी है, भौजी नंबर 1 सीजन 7। सोनपुर के मेलावा में धनिया है रे ले दरगा बाबू, ए दरगा बाबू लुट गए धनिया हमारे दरोगा बाबू। भौजी बाड़ी ब्यूटीफुल सारी दुनिया। हर भौजी के सपना बा कि उ भौजी नंबर 1 सीजन 7 में जरूर सेलेक्ट हो। गोल गोल झील के समान भैया चेहरा लागे घर के रानी पनहन महारानी देखल करी महुआ प्लस पे भौजी नंबर 1 सीजन 7। मैं हूँ भौजी नंबर 1 सीजन 7। रही रही रतिया में कुह के कोयलिया गावे लागे गीत हो। हमार नाम पूनम सिंह है और हम मुगलसराय से आयल बनी भौजी नंबर 1 में ऑडिशन देवे खातिर सीजन 7 के। 2 साल से आ रहल बनी, हमार तीसरा साल। से बोले बतियावे के पड़ी दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी। कहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, अरे कहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर भौजी परान ले बुका हो। हमारा नाम प्रियंका है, हम गाजीपुर से आई लें। अभी हम 2 दिन पहले देखने ऑडिशन के, पता चला ला कि ऑडिशन होके वाला बा, तब सुन के हमके बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट भइल कि हम कब जाएं। यही बारी के भौजी नंबर 1 सीजन 7 के विनर बन के आएंगे। तैयारी सब का ठीक ठाक बनी? ऐसे टीवी में ऐसे ऐसे करके हिलावेगा, बड़ा अच्छा लगेगा हमके तो। हमके आपकी गाना और नदी बीच नैया हिलो मारे बहुत अच्छा लगेगा। नदी बीच नैया हिलो मारे। क्या शुरू करें भैया? अब जोन हमनी के बीच में फॉर्म आयल बा, पहल का नाम बा पूनम सिंह। भैया पूनम सिंह के बुलावल जाओ। पूनम जी के का नाम बा भौजी? पूनम सिंह। क्या तैयारी बाटी ऑडिशन खातिर? डांस और गाना। प्रणाम जी। नमस्ते। कैसन बानी रुआ? ठीक बानी। ठीक बानी। तैयारी का कैल बानी एकदम? तैयारी तो कैले बने पूरा, आगे पता ना। 3 साल से आवत आवत हम परेशान हो गए बनी। 14 साल चली। शुभकामना बा हमनी के रुआ संगे। और 3 सीजन से आवत तनी, एकरी बाद इतनी सीजन से टीवी पर भी भौजी नंबर 1 देखते। हाँ, अनुभव तो और अच्छा हो गई, तैयारी और अच्छा हो गई चाहिए आप। अपना जाने में तो सब ठीक है कर रहे हैं। ये बताइए डांस करे कैसे सीख ली रहे हुआ? टीवी में देख के। क्या नाम बा? मेरा नाम तो माधुरी है। कहाँ से आई आप? हम तो पटियाला रहने वाले के, तो पटियाला है। मेरी शादी हुई है पटियाला, मैं पटियाला रहती हूँ। रहे वाला कहाँ के हैं?
हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं बलिया के, लेकिन जॉब करते हैं रेलवे में हैं, वो पटियाला में सर्विस करते हैं। तो क्या तैयारी बा, कहाँ के एल्बम? हाँ जी, हाँ जी, तैयारी तो फुल है, डांस का कुछ ज्यादा ही है। सिंगार बनी छोटी हाय तैया तैया, सिंगार बनी छोटी हाय तैया तैया। भोजन का उत्साह देख के आपन जज भी अपना के रोक ना पौले, उ ठुमका लगावे खातिर मजबूर हो गए न। आपने तो मतलब फ्लोर हिला दिया, जैसे कहते हैं ना मंच को हिलाना। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कैसा रहा ऑडिशन? ऑडिशन तो बड़ा मस्त। हमारा नाम प्रियंका है, हम गाजीपुर की रहने वाली हैं। हम बनारस में ऑडिशन देबे आई हैं। मेरी मम्मी बनेगी भौजी नंबर वन सीजन 7। प्रियंका भौजी यहीं रहो। हमारा नाम प्रियंका है, हम गाजीपुर में हमारी शादी भइल है, हम बलिया के रहे वाले हैं। तैयारी कैसन बा? अपने जाने में तो पूरा कोशिश करके आइल बनी। जब आपके हस्बैंड या पतिदेव कब रुसे लें या मनावे खाती लगा था कि आज गा दी और सारा काम यही से हो जाए, ऐसे सुनाई को ना? जा तारा परदेश बलमुआ, छोड़ के आपन देश बलमुआ, का दिखवाई बा पंडित जी से लेके पोती पातरा। आओ एगो चुम्मा दे दराजा जी, बन जाई जा तारा। राजकुमार भैया, ये आऊं आपके कैसा लगा? जन रिएक्शन रहा ला, ये पूरा गीत के मैंने खास जगह ये रहा, आऊं यहाँ के बढ़िया पकड़ ले बनी आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब चाहत आने जा कि वो गाना बढ़िया जोरदार लागो और इनका डांस देखा जाए। कमरिया करे लपलोली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपके सूचित के लिए धन्यवाद। का तैयारी बाटी ऑडिशन खातिर? आप हमको तो पता नहीं है ऑडिशन में जज लोग हमसे क्या पूछेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत गाना डांस सब कुछ का तैयारी करके आए हैं। हाँ, चले जाए ऑडिशन देखे आए। प्रणाम। प्रणाम, कहाँ से बानी? मुगल सराय चंदोली। तो का करब रउआ बताई, पहले गायब की पहले डांस दिखाए? जो आप लोगों का मर्जी बा, पहले डांस दिखा दी। अगर ये डांस करी है तो बाद में हाँ फिर लगी है प्रॉब्लम हो जाए, यही से इनका से पहले हमने के एको गीत सुनल जाओ। मोरे हुटवा से नथुनिया गुलेल करेला, मोरे हुटवा से नथुनिया कुलेल करेला, जैसे नागिन से सफेरा अटखेल करेला। बहुत बढ़िया, अच्छा गोनी है। ये कहाँ मतलब सिनेमा से सीखनी है गाना? हाँ, सुन के सीखे हैं। हरे गीत गाई ला? हाँ। ब्याह शादी में? नहीं, ब्याह शादी में नहीं गाते, बट टीवी देख देख के। क्या करती हैं कुछ मतलब? हाँ, ऐसे तो मेरा कोचिंग चलते हैं, टीचर हैं और डांस क्लास भी चलता है, डांस टीचर भी हूँ मैं। अच्छा, डांस कोचिंग भी चलता है। कहाँ सिखाती हैं? मुगल सराय में ही सिखाते हैं। अब चाहत आने जा कि वो गाना बढ़िया जोरदार लागो और इनका डांस देखा जाए। जब से तू सैया गैला हरियाणा, घोटले घोटात नहीं थे हमरा से खाना, काहे छोड़ गैला पहाड़ा बाप लमुजी, लाइन मरे लाते बरा बाप लमुजी, लाइन मरे लाते बरा बाप लमुजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हाल चाल बा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बड़ा खुश लगा था। नहीं, घरों में हमेशा इसी हंसत रहता हूँ। हाँ हाँ, हमेशा हंसते, बाकी गुस्सा जब करना होता है तो कर लेते हैं। जब गुस्सा जरूरी है, गुस्सा करते हैं तो फिर कैसे भैया लोगों का मना बता? नहीं, कैसे प्यार से Yeah।
मेरा नाम शिव प्रकाश चौहान और ये मेरी पत्नी प्रिया चौहान, जो कि भौजी नंबर वन के सीजन 7 में ऑडिशन देने आई हैं। जिनका विश्वास है कि मैं भौजी नंबर वन में 7-7 में विनर बनूं, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनका विश्वास पे अटल रहूं। गुड आफ्टरनून। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं? ठीक हूँ। तैयारी से आई हैं एकदम? तैयारी से तो मेरा फिलहाल हमेशा तैयार रहती हूँ, बस मुझे 5 मिनट पहले पता चला कि ऑडिशन है तो मैं बोली चलो बस चलो जो होगा कर दूंगी। 5 मिनट में इतना बढ़िया तैयार होके आई बनी, तो अगर कहीं 2-4 घंटा पहले इनके मालूम रहे तो लगता है कि जोन कुछ तिजोरी में रखले बनी रहे वो सब पहन के आई थी। ये मेरा नॉर्मल है डेली का। मालूम बाकी काका होला है इस शो के अंदर? हाँ, डांस होता है, गाना गाया जाता है। गीत तो सुन ले जाए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तो है तो अब तो मेरी नजर में। कोनो खास मतलब लड़का के छोड़ गए हैं अरवा के, कैसे आनी है? एक्चुअली क्या है, मेरा लव मैरिज हुआ है तो जब मैं इनसे बात करती थी तो मैं हमेशा यही गाना सुना करती थी। इनसे मतलब आए हुए हैं क्या? यहां जी, जीवन के ये परंपरा बन गई उनसे बात करे में, इस चीज पे आए हुए हैं। तो गोपाल भाई का है ना, इनका इनका से हम हमने के बुला लिया जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काम करी कैसे बुलाओ नहीं हमेशा उनका के जितना प्यार से हमेशा बुलाओ ना वही प्यार से आवाज दी हूँ आज है इन पर। ए जी आइए भैया इधर। क्या नाम है भाई आपके? शिव प्रकाश चौहान। शिव प्रकाश चौहान, ये जैसे बतौनी है कि लव मैरिज भइल बा और जब मालूम पड़ल कि भौजी नंबर वन के ऑडिशन हो रहा बा, आपको लगता है कि आपकी धर्मपत्नी नंबर वन है? जी मुझे पूरा विश्वास है। अरे वो गाइला गाना ना गाए? गाना गाइला हम ही चाहता नहीं भैया कि जब यूँ के गाइला यूँ के गाइला, ऐसे तो क्षमा करब वाकई आपके गला खराब बा, गाओ तीन तो लागत अच्छा गा सकीला आप, और हम चाहते नहीं जब संगे पति पत्नी बहन तो तमाम ऐसा युगल गीत हो जन दोनों जन गा सके, दोनों आदमी संगे गाओ। ओ जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर नगोर बाड़ी हो। जैसन सोचले रहनी वैसन पीवा मोर बाड़ी, सावर नगोर बाड़ी हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब रहुए जैसे जाएं रहुए मेहरारू से हमने के डांस देखा गया। क्या बात है, आपने तो इतना ग्रेसफुली डांस किया कि हमारे गोपाल जी भी डांस करने लगे थे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्मृति नंदवानी, हाय स्मृति जी। मेरा नाम स्मृति है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे बहुत शौक है जिमिंग का और डांसिंग का, क्योंकि हम फिट हैं तो हिट हैं, और मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। मैं बिलीव करती हूँ कि शायद अगर हम लोग की फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ, ये मेरा मानना है। और मेरी मोटो ऑफ लाइफ यही है कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। मेरी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी नन भी है जो कि जिसको मैं बेटी की तरह मानती हूँ, उसका नाम है खुशबू। हेलो, नमस्ते, नमस्ते। आप सभी जजेस को मेरा नमस्ते। मेरा नाम स्मृति है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक 9 साल की बेटी है। पहले तो मैं भौजी नंबर वन की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी की वजह से हम हाउसवाइफ्स को एक टैलेंट अपना दिखाने का मौका मिलता है, नहीं तो हम हाउसवाइफ्स तो इसी खोज में रहती हैं कि कब कोई टैलेंट शो हो और हम अपना टैलेंट दिखा सकें। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद और स्वागत भी बार और इतना कॉन्फिडेंस से अली हमने के भौजी नंबर वन सीजन 7 के शोभा बढ़ौली, एक खातिर ढेर सारा आपके धन्यवाद। थैंक यू सर। का मतलब प्लानिंग के क्या बनी रहो? मुझे डांस का बहुत शौक है, डांस मतलब डांस मेरा एक पैशन। भोजपुरी बोलती है? नहीं बोलती है, नहीं भोजपुरी नहीं बोल पाती हूँ मैं। मतलब ये पैशन है आपका डांस, तो गोपाल जी कहाँ से शुरू किया जाए? हम तो पहले गाने ना सुना गाना मुझे थोड़ा बहुत ही आता है, मैं कोशिश करती हूँ। गुनगुनाई तो गायब तो। सावन का महीना पवन करे शोर,
जी अरर झूम रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर, जी अरर झूम रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। रउआ तो निक गावतनी जी, गा सकीला आप, अच्छा गा सकीला, प्रयास करी, अच्छा लागल। घर का कुछ काम हम करती है कि नहीं करती? हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ तो पूरा काम आता है मुझे करने का। मुझे नहीं लगता। नहीं पूरा आता है, आप मेरी नंद को बुला के पूछ सकते हैं। अच्छा आपकी नंद भाई है? हाँ जी। अरे वाह, घर में कौन कौन लोग और हैं उनके अलावा? मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे नंद। और सासू माँ? नहीं, तो कैसे बुलाती, बुलाई जरा उनको, आओ गुड़िया। अरे वाह, स्वागत, जय हो, जय। क्या नाम है आपका? खुशबू। आप भी भोजपुरी बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? नहीं बोलती, थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ बट ज्यादा नहीं बोल पाती। और बताइए आपकी भाभी से पढ़ती है ना? बहुत अच्छी पढ़ती है, भाभी नहीं ये मेरी बहन है एक तरह से। अच्छा, बहन है जी ये, बिल्कुल। आपके सास ससुर? सास है लेकिन वो अलग रहती है। अपनी सास को अगर कुछ कहना हो, वो बात जो आप अपने सामने नहीं कह सकती है, एक कहीं गिल्टी तो है ना आपके मन में कि वो आपसे अलग रहती है, आपको लगता है ना कि आप उनकी सेवा करें, आप चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगी चैनल के माध्यम से? मैं आपको पूरा प्यार दूंगी सासू माँ, पूरा विश्वास दूंगी, सब कुछ दूंगी, लेकिन पैरों में बेड़ियाँ नहीं बांध सकती क्योंकि मैं आज की लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ मैं कुछ करके दिखाऊँ। बहुत बढ़िया, हमारा विश्वास बा, मुझे विश्वास है कि इस मंच के माध्यम से भौजी नंबर वन देखने के बाद आपकी पैरों में बेड़ियाँ सास जी नहीं बांधेंगी और कितना खुश होंगी और बहू नंबर वन, भौजी नंबर वन के रूप में देखना चाहेंगी। डांस दिखाइए आप। बात अंत में एगो बात कहल चाहब, अच्छा लगल आपसे मिलके और आपके डांस भी अच्छा लगल, गावे के प्रयास करब तो अच्छा गायब भी आप। एगो रुआ से छोट निहोरा बा हमार कि बनारस घर बा आपके, रुआ रग रग में भोजपुरी बा, बनारसी भाषा बा, आप ओके बोले के प्रयास करें, आपके एगो नई ऊंचाई मिली अगर आप वो भाषा के अपनाए तब। मैं दो लाइन और कहना चाहती हूँ कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी अपनी किस्मत बना लिया करते हैं क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हो, जय हो, क्या बात है, आप इसी जज्बात को बनाए रहिए। आगे बनी है, बहुत आगे जाई, बस बनारसिया तनी बोली बोली थोड़ा सा, ठीक बा। हम तो बस यही कहब कि रउआ रही मस्त और देखत रही महुआ प्लस। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार पहले बाद में, आप लोग 7 बजे बुला लेनी, 12 बजे नंबर आवेला, ओकरे बाद से 5 बजे यहाँ आवता नहीं, हम के इंटरव्यू नहीं देवे एक बार। कमरिया कमरिया कमरिया